चल रही है। तो ये आज की बात नहीं है, बल्कि ये सहाबा इकराम के दौर से ये मामला चलते हुए आ रहे हैं कि उस वक्त वो भी आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस के खातिर पूरी तौर पर हिफाजत करते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिस मामले में बेअदबी होती हो उस बात से रुक जाना है, किसी को बेअदबी ना करने देना और आपकी इज्जत व आबरू, आपके वक़ार की हिफाजत करना, ये तहफ्फुज़ नामूस रिसालत है। और सहाबा इकराम उस वक्त भी इस काम को हद से ज़्यादा अंजाम देते थे। और यह हर शख्स की जिम्मेदारी है कि हर मोमिन के लिए कहा गया कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत व आबरू, आपके वक़ार की हिफाजत करे वो। और यही तहफ्फुज़ नामूस रिसालत है कि हमें आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में अदना सी गुस्ताखी भी बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। कि ये उस वक्त से चलता हुआ मामला आ रहा है कि सहाबा इकराम ने भी इसका पास और लिहाज किया कि वो हर मामले में बर्दाश्त कर लेते थे। एक बर्दाश्त की जो हद होती है वो हर मामले में करते, अगर कोई उन्हें गाली देता वो खामोश हो जाते, बर्दाश्त कर लेते, कोई बुरा भला कहता वो बर्दाश्त कर लेते। लेकिन जहाँ बात आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेअदबी या गुस्ताखी की आती थी तो फिर वो बर्दाश्त नहीं करते थे, वो किसी सूरत सब्र का घूंट नहीं पीते इस मामले में वो हर वक्त। क्योंकि असल मामला यही है और यही ईमान है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामूस के खातिर बंदा हर वक्त अपनी जान के नजराने कुर्बान करने के लिए वो तैयार रहे। इसीलिए तो आला हजरत ने फरमाया ना कि अल्लाह की सरता व कदम शान है ये, इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें कि ये जाने ईमान है, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, पर ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। कि ईमान तो ये कह रहा है कि मेरी जान है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस के खातिर अपनी जिंदगियों को गुजारना। और यही हमें कुरान ने 10